बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रेस्टोरेंट्स। आई होप कि आप तमाम लोग जो है वो ठीक होंगे। और आज हमारे पास जो है वो टेस्ट डिस्कशन है, और हमारे पास यूनिट जो चल रहा था यूनिट 6 था, लेकिन उसका थोड़ा सा पार्ट रहता है, वो कल आपको जो है वो उसकी लेक्चर आपको आ जाएगा। आज हमारे पास है वो टेस्ट डिस्कशन है, जो अभी रिसेंटली आप लोगों का यूनिट नंबर 4 का टेस्ट हुआ, इसको हम देखते हैं। फिजिक्स टेस्ट डिस्कशन MDCAT यूनिट 4, उसमें हमारे पास जो पहला MCQ था, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट किया इसने रेस्ट से, तो आप कंसीडर करने की जरूरत है। डायरेक्ट गिवन है कि एंगल ऑफ वेलोसिटी इनिशियल कितनी होगी, जीरो, ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर, एक सर्कल जिसका रेडियस 2 मीटर, फाइंड इट्स लीनियर स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, बताएं 2 सेकेंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी। देखिए हमारे पास पहले तो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ हमारे पास ओमेगा नहीं है। ओमेगा निकालने के लिए आपको जो है वो यूज करना पड़ेगा ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी, सिंपली जो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी था, उससे अल्फा कितना है आपके पास, दैट इज 2, टाइम कितना है आपके पास, दैट इज ऑल्सो 2, 2 × 2 दिस इज इक्वल टू 4, तो यहाँ वैल्यू पुट करें, रेडियस कितना आपके पास, कितना था 2 × 4, दैट इट इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन जो आ गया स्टूडेंट्स वो आ गया 8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑफ डेल्टा। नेक्स्ट MCQ देखें, MCQ नंबर 2, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी इज, देखिए जब हमारे पास एक बॉडी सर्कल में मूव कर रहा होता है, ये सर्कल है, अगर ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो हमेशा इसकी लीनियर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है, और ये इसका रेडियस है, अगर हम पोजिशन वेक्टर लेते हैं तो फिर ये इसकी हमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी, वैसे ये अगर हम लेते हैं ये आर, यहाँ पे हमें पूछा गया एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअली हमें इस व्यू में नजर नहीं आती, एंगुलर वेलोसिटी हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है लाइक दिस, तो इसमें आप लोगों को जो है वो ये इसकी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और लीनियर वेलोसिटी इसकी नीचे वाले प्लेन में होगी, सो इसमें और इसमें एंगल जो है वो कितना बनेगा, दोनों का 90 डिग्री, सो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज अल्फा। हाँ, ये वाली डायग्राम का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर मैं इसको एलिप्टिकल बनाऊँ, यहाँ मैं दिखाऊँ एंगुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसके अलोंग होती है ओमेगा, और लीनियर वेलोसिटी जो होती है उसका प्लेन जो है वो डिफरेंट होता है, उसका ये वाला प्लेन इस प्लेन में होती है लीनियर वेलोसिटी लाइक दिस, ये इस तरह से होती है लीनियर वेलोसिटी। नेक्स्ट MCQ इन थर्ड, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ मूविंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इन हाफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, हाफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मीन हाफ सर्कल दिस, और इसका रेडियस है आर, अगर इसका रेडियस आर है, इट्स डिस्प्लेसमेंट बताएं इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है एंड डिस्टेंस कवर्ड आर, यही MCQ हमने यूनिट नंबर 2 में भी डिस्कस किया चैप्टर नंबर 3 के अंदर, कि अगर इसके डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट के सारा इसका ये होगा विच इज इक्वल टू डायमीटर, एंड डायमीटर आपको पता है डायमीटर इज इक्वल टू 2R, तो ये तो हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, और अगर हम डिस्टेंस की बात करें यहां से लेके यहां तक, दैट इज इक्वल टू पाई आर, पूरा सर्कल होता है 2πr, तो ये कहते हैं पाई आर, तो 2R और पाई आर इसका आंसर दैट इज ऑफ अल्फा, यहाँ पे ये कैपिटल डी जो है डायमीटर को शो कर रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए आप लोग, बोथ सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, अगर सेंट्रीपेटल फोर्स फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोनों की सेम होती है, ये हम यूनिट नंबर 2 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों का होंगे टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, सो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा, एक्ट इन सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट MCQs, द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इन डिग्री पर सेकेंड, मिनट हैंड की एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, ओमेगा डिग्री में देखें तो हमारे पास कंप्लीट रेवोल्यूशन 360, टाइम
मिनट हैंड को यहाँ से यहाँ तक आने के 1 आवर चाहिए होता है, तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, ये डिग्री है, तो ये आंसर आ जाएगा 1/10 विच इज इक्वल टू 0.1। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, अ बॉडी ऑफ मास 4 केजी मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। एक बॉडी है उसका मास 4 केजी है, सर्कल में मूव किया, रेडियस 2 मीटर है, विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 4 रेडियन पर सेकंड, यहां पे 2 रेडियन पर सेकंड होगा आगे पास, यहां पे मिसिंग है 2 रेडियन पर सेकंड, द सेंट्रीपेटल फोर्स इज FC इज इक्वल टू MR ओमेगा स्क्वायर इन फॉर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मास में कितने हमारे पास 4, रेडियस कितना है 2, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 4 2 8 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर 4, तो इट इज इक्वल टू 32 न्यूटन विच इज ऑफ अल्फा। अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 1 डिग्री इज इक्वल टू, आपको 1 रेडियन का पता है, 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, 57.3 डिग्रीज होते हैं, लेकिन हमारे पास अगर हमें निकालना तो 1/57.3, वैसे ये डायरेक्ट वैल्यू आपको पता है, 1/57.3 रेडियन हेयर इज इक्वल टू 1 डिग्री विच इज इक्वल टू 0.017 रेडियन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑफ बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें स्टूडेंट्स, व्हेन अ बॉय बॉडी मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, जब एक बॉडी सर्कल में मूव करती है जिसका रेडियस है वो आर है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इट्स सेंट्रीपेटल फोर्स इज, ओमेगा की फॉर्म में एम आर स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर होती है, तो चार बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, इन विच केस एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज यूजफुल, एंगुलर वेलोसिटी हम कब डिस्कस करते हैं, जारी बात है जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है, व्हेन अ बॉडी इज रोटेटिंग, ये ऑप्शन ठीक है, बाकी पढ़ लेते हैं, व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज स्ट्रेट लाइन, वी भी रॉन्ग है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन रेक्टिलिनियर मोशन भी स्ट्रेट लाइन मोशन ही होती है, बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी तो पॉसिबल नहीं है, ए तो ठीक था, तो सिर्फ अल्फा ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल है। नेक्स्ट देखें, पाई बाय 2 रेडियंस एंगल इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ 2 मीटर रेडियस, उसका रेडियस है 2 मीटर है, द एरिया ऑफ दिस पार्ट इज, इसको जरा देखें डायग्रामेटिकली, ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल बड़ा अजीब हो गरीब सा टेढ़ा सा बन गया है, इसको जरा मैं रेज कर लूँ, अच्छा जी अब बनाना है सर्कल, ये फिर भी कुछ बेहतर है, ये हमारे पास सर्कल है, पूरे सर्कल में आपको पता है पूरे सर्कल के अंदर हमारे पास कितने रेडियन होते हैं, इन सर्कल आपको पता है 2 पाई रेडियन होते हैं कंप्लीट चक्कर में, तो पाई रेडियन में क्या होगा, जारी बात है पाई रेडियन में हाफ सर्कल होगा, पाई बाय 2 रेडियन में क्या होगा, पाई बाय 2 रेडियन में स्टूडेंट्स आपके पास क्वार्टर सर्कल होगा, ये वाला बस, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, पाई बाय 2 रेडियन। अब हमसे कहा गया है कि पाई बाय 2 रेडियन सबटेंड है, मतलब क्वार्टर सर्कल है, उसका रेडियस हमारे पास जो है क्वार्टर सर्कल लाइक दिस, ये बन जाएगा क्वार्टर सर्कल, मैं बनाता हूं आपके पास क्वार्टर सर्कल हमारे पास बन जाएगा, ये क्वार्टर सर्कल है, इसका रेडियस हमने बता दिया, इसका रेडियस है वो 2 मीटर है। अब हमसे पूछा गया इसका एरिया, वैसे क्वेश्चन जो है वो इतना लेंथी नहीं है, एरिया पूरे सर्कल का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो हमने तो उसके फोर्थ पार्ट का फाइंड करना है, तो इस पार्ट का एरिया क्या होगा, ए बाय 4 पाई आर कितना है 2 का स्क्वायर बाय 4, तो ये आ जाएगा पाई एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो ये क्वार्टर सर्कल का एरिया आ गया विच इज ऑफ अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, ऑल पॉइंट्स ऑन अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस एट एनी इंस्टेंट टू हैव सेम, एक बात याद रखें कि हमारे पास जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ से मूव कर रही होती है उसकी जितनी एंगुलर क्वांटिटीज हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, तमाम की तमाम जो वो कॉन्स्टेंट रहती हैं, जबकि लीनियर जो है क्वांटिटीज उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी, ये सारी डिफरेंट होती हैं, तो यहाँ पे
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सलेशन, एंगुलर स्पीड, ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन जो है वो ठीक है क्योंकि सारे के सारे एंगुलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन सर्कल ऑफ 0.4 मीटर इट्स एंगुलर स्पीड इज वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर, वी कितना दिया 2, आर है 0.4 तो उसका हमारे पास रेडियस है। अब हमारे पास जो है वो 2/0.4 दैट इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट देखें, द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सलेशन इन बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क बाय इक्वेशन टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क जो है वो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है, द फोर्स लीनियर मोशन प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, फॉर अ सैटेलाइट मूविंग इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो आप लोगों को जारी बात है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन वही है जो आप लोगों ने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक में पढ़ी थी, जी एम एम ओवर आर। काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी आप लोग देख लें। काइनेटिक एनर्जी एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। जब एक सेटेलाइट अराउंड द अर्थ रिवॉल्व कर रहा होता है तो स्टूडेंट्स उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो कौन प्रोवाइड करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपको पता है एफ सी इज इक्वल टू एफ जी एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। यहाँ आर एक साइड वाला आर दूसरी साइड के आर स्क्वायर से कैंसिल, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई करें हाफ एम वी स्क्वायर हाफ जी एम एम ओवर आर, हाफ एम वी स्क्वायर आपको पता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जी एम एम ओवर टू आर। अगर आप इन दोनों कंपेयर करें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी थी जी एम एम ओवर आर और काइनेटिक एनर्जी जो आई है वो कितनी है 1/2 जी एम एम ओवर आर। यहाँ से एक और एमसीक्यूज भी हमारे पास बन सकता है लेकिन पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पूछा है काइनेटिक एनर्जी के देशों, तो जब काइनेटिक और पोटेंशियल तो डिवाइड करेंगे आपको पता है कि ये वाली सारी वैल्यूज तो कट जाएंगी जी एम एम ओवर आर से कट जाएंगी, ये टू कहाँ आ जाएगा 1/2 तो 1:2 आंसर है इसका अल्फा। यहाँ पे जो एक और एम सी क्यूज देखें, पोटेंशियल एनर्जी जो है एक रिवॉल्विंग सेटेलाइट के अराउंड द अर्थ उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से कितने टाइम ग्रेटर है, तो देखें ये हाफ थी ये कितनी थी कंप्लीट तो 2 टाइम ग्रेटर है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी के साथ दैट इज 2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इस तरह से भी एम सी क्यूज आ सकता है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, टू हैव एन अर्थ सेटेलाइट सिंक्रोनाइज विद द रोटेशन ऑफ अर्थ इट मस्ट बी लॉन्च एट द प्रॉपर हाइट मूविंग। अच्छा ये एमसीक्यूज जो है एक ये आप याद रखेंगे हमेशा वेस्ट टू ईस्ट हम जो है वो जो हमारे पास जो स्टेशनरी सेटेलाइट्स हैं उन्हें हम वेस्ट टू ईस्ट इक्वेटोरियल प्लेन में जो है वो छोड़ते हैं, उनको लॉन्च हम जो करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, इसमें अल्फा ऑप्शन जो है वो ठीक था। नेक्स्ट देखें, a satellite in orbiting is orbiting close to surface of earth its time period is f is equal to 1/2 pi √ g over r। ये आपकी frequency artificial frequency equation थी, इसका आप रिवर्स लें t is equal to 2 pi √ r/g, तो ये टाइम पीरियड है which is of alpha। नेक्स्ट MCQ देखें स्टूडेंट्स, फॉर अ स्टेशनरी सैटेलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इट्स हाइट इज फिक्स ठीक होती है, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ ये भी ठीक है, इट्स ऑर्बिटल प्लेन इज इंक्लाइंड एट अ स्मॉल एंगल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ये भी हमने पढ़ा है इक्वेटोरियल प्लेन में होते हैं, ऑर्बिटल प्लेन एट 90 डिग्री ये इसमें नहीं है। अगर आप ये वाला देखेंगे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ, जारी बात है उसी तरह होती है। तो हमारे पास यहाँ पे जो गलत ऑप्शन यानी कि जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सी है, चार्ली वाली। तो एमसीक्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। नेक्स्ट देखें, व्हाट कीप्स एन अर्थ फ्लाइट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट। अभी मैंने जो है वो आपको बताया एफ सी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन
सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ। अभी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट इट सेंट्रल इज स्पिनिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 15 रेडियन पर सेकेंड, इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब ओमेगा एफ कितना हो गया जीरो, बाय अ स्टेडी टॉर्क इन 5 सेकेंड, जो टाइम था 5 सेकेंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज, टॉर्क की मैंने आपको ऊपर इक्वेशन बताई, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा आई तो हमारे पास डायरेक्ट गिवन है दैट इज ऑफ 10, बट अल्फा के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अल्फा के लिए क्या काम, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाय टी, ओमेगा कितना है 15, टाइम कितना है 5, तो अल्फा स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा 3। अब हमारे पास आई इन टू अल्फा 10 इंटू 3 इट इज इक्वल टू 30 न्यूटन मीटर विच इज ऑफ बीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, अर्थ श्रिंक्स टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस विदाउट चेंज इन मैस, द ड्यूरेशन ऑफ रे विल बी 6 आवर, ये डायरेक्ट आपके पास जो न्यूमेरिकल था 5.9, लेकिन यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट हमारे पास एक और एमसीक्यू आएगा, यहाँ पर जो अर्थ ने श्रिंक किया और जो डेज फॉर्मेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ द इट्स रोटेशन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस लाइक दिस। इस केस में हमने जो ये फार्मूला जो हमने न्यूमेरिकल में यूज करते हैं वो बताया, आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू, फिर हम ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं 2π/T एंड सो ऑन, हम फार्मूला निकालते हैं इसका, टी इज इक्वल टू 6 आवर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे ये फार्मूला हमने यूटिलाइज किया, दिस इज फॉर रोटेशनल मोशन, हमने इसको रोटेशन के लिए यूज किया। नेक्स्ट हमारे पास एक और जो है वो एमसीक्यू आ रहा है, उसमें हम एक डिफरेंट फार्मूला पुट करेंगे, वो जैसे आता है फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 1 ईयर, हाँ जी आ गया एमसीक्यू। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन इज डबल देन इज डबल देन द न्यू पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन विल बी, अब देखिए हमारे पास सन जो है लेट मी से दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ, अगर हमने ये अर्थ का ऑर्बिटर, अगर हमने ये ऑर्बिटल रेडियस इसका 2 टाइम कर दिया, ऑर्बिटल रेडियस हमने इसका बढ़ा दिया r-2r, ये ऑर्बिटल रेडियस है, तो ऑर्बिटल रेडियस के लिए आपको याद होगा r इज इक्वल टू हमारे पास था gmt² / 4π² / 1/3। ऑर्बिटल रेडियस के लिए हम यहाँ से ऑर्बिटल रेडियस और टाइम में रिलेशन निकाले, हम प्रीवियस वाला जो मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया था, जो हमने प्रीवियस एमसीक्यू में डिस्कस किया फॉर द रोटेशन ऑफ अर्थ, वो हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे जो मोशन है वो रोटेशनल मोशन नहीं, यहाँ पे रेवोल्यूशन है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन है अराउंड अनदर एक्सिस, नॉट द एक्सिस पासिंग थ्रू द बॉडी, इट इज ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन के लिए हम यहाँ से निकालेंगे फार्मूला r^3 इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं टी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट r^3। अब 2 टाइम बढ़ा तो आप सिंपली 2 का क्यूब लेंगे तो आपके पास क्या देगा, √2³, 8, √8 इज इक्वल टू 2 × √2, तो 2 × √2 ईयर्स टाइम आ जाएगा, 2 × √2 टाइम बढ़ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि हमारे पास मोशन कैसी है, ऑर्बिटल है या रोटेशन है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपने उसको सॉल्व आउट करना है। नेक्स्ट देखें आपके पास, व्हेन अ व्हील ऑफ 1 मीटर इन डायमीटर, एक व्हील है उसका डायमीटर कितना है 1 मीटर, ये व्हील है डायमीटर दे देना जी 1 मीटर, रेडियस कितना होगा 1/2, मेक 30 रेवोल्यूशन पर मिनट, द लीनियर स्पीड ऑफ द पॉइंट ऑन इट्स स्ट्रीम इन मीटर पर सेकेंड इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन ओमेगा हमें ये चाहिए रेडियम पर सेकेंड में, तो r कितना है 1/2 ओमेगा 30, वैसे मैंने रेवोल्यूशन पर मिनट का आपको जो है वो डायरेक्ट पता था 2π/60, अब यहाँ से कट गया, यहाँ बजेगा 2 भी कट जाएगा तो ये बजेगा π/2, तो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, 1200 kg कार whose velocity is 6 m/s v आ गया, डाउंस अ टर्न हुज रेडियस इज 30 m आर आ गया, द सेंट्रीपेटल फोर्स ऑन द कार, मैस पहले था FC इज इक्वल टू mv² / r, सो पुट करें तो आपके पास डेल्टा ऑप्शन आएगा 1440 न्यूटन। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स,
A ball is swung in a circle at the end of a string. A property of the ball that does not depend on the length of the string is. कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर डिपेंड नहीं करती? अगर एंगुलर वेलोसिटी को देखें, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। लेंथ, एंगुलर मोमेंटम की बात करें एल इज इक्वल टू आर पी, तो ये लेंथ आ गई। लीनियर वेलोसिटी की बात करें सारी बात है वो भी डिपेंड करेगी। सेंटीमीटर एक्सप्रेशन, तो वो भी हमारे पास ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, उसमें भी ये इन्वॉल्व है रेडियस, तो ये भी नहीं होगा। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो इसमें भी है आर इन्वॉल्व है, तो सिर्फ ये वाली क्वांटिटी है लीनियर। और एंगुलर वेलोसिटी अल्फा, जिसमें हमारे पास लेंथ इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट देखें, अ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल कंटेन्स, एक क्वार्टर ऑफ सर्कल में कितने रेडियन कंटेन होते हैं? हमने स्टार्ट पे एमसीक्यू किया था पाई बाय टू रेडियन, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑफ चार्ली। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, इन 30 सेकेंड टाइम कितना 30, द क्रैंच ओवर ट्रंक ट्रक इंजन ऑपरेटिंग एट 2400 रेवोल्यूशन पर मिनट टर्न्स थ्रू। आपने यहाँ पे थीटा निकालना है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, जहाँ पे टर्न्स थ्रू का वर्ड है मतलब एंगल का पूछ रहा है। ओमेगा आगे पास है 2400 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो आगे पास पाई बाय 30, टाइम कितना है 30, 30 से 30 कैंसिल, 2400 मल्टीप्लाई बाय 3.14 दैट इज इक्वल टू 7.5536 आएगा, राउंड ऑफ करके 4 0, सो डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल देन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ए बी या अलोंग द टेंजेंट, बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें स्टूडेंट्स, व्हेन अ बॉडी इज व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग, जब हम एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल सर्कल में लाइक दिस रोटेट करवाते हैं, द सेंटीपिटल फोर्स इज सप्लाइड बाय, ये सेंटीपिटल फोर्स कहाँ से आएगी? जारी वाले टेंशन से आएगी, टेंशन इन द स्ट्रिंग। मैस ऑफ द बॉडी तो नहीं, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी से भी नहीं, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन से भी नहीं, टेंशन जो है वो सेंटीपिटल फोर्स के अपोजिट होगी, क्योंकि हमारे पास जो है वो मेंशन है कि फोर्स इज ऑलवेज बी ऑलवेज इन पेयर्स, तो यहाँ पर टेंशन जो है वो स्ट्रिंग में वो सेंटीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगी। Orbital radius for geostationary satellite from Earth center is 4.23 multiplied by 10 is per 4 km, that is of Charlie. Next, in geostationary orbit for communication, whole of populated Earth surface can be covered by. आपके पास 3 satellites सही होते हैं, only हमें 3 satellites से हम जो cover कर सकते हैं, तो correct option is of Charlie. Next MCQ देखें, a satellite orbits around the earth with constant speed, which point does not remain constant during its motion? Angular momentum l is equal to rp, jab hamare paas open karenge l is equal to mv r, constant speed ki baat ki gayi to direction bhi iski along the axis rotation hoti hai, to angular momentum as a whole jo hai wo constant rahega, acceleration isko hum baad mein dekhenge, speed unhone pehle bata diya to ye bhi nahi, kinetic energy mein bhi half m square, इट्स मीन के बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ हाउ व्हाई इज द बीटा इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बाकी तीनों तो गलत हैं, और बाकी जो रीजन है इसकी वो ये है, देखिए हमारे पास ये अगर हम एक्सेलेरेशन की बात करते हैं, एक्सेलेरेशन हमारे पास तो एक सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन होता है ए सी, एक हमारे पास टेंजेंशियल रेट होता है जो हर पॉइंट पर वेरी कर रहा होता है, और आपको पता है यहाँ पे हमारे पास जब इनका नाम दिया गया एंगुलर मोमेंटम एक्सेलेरेशन, इट्स मीन ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो हम इनकी डायरेक्शन को भी इंक्लूड करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास देखें आप जो कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है, उसकी वजह से अगर हम नेट एक्सेलेरेशन भी देखें तो वो भी चेंज होता रहता है, तो एक्सेलेरेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज डायमेंशनलेस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेडियन, स्ट्रेन, तो ये सारी की सारी ही डायमेंशनलेस है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, a satellite moving around the earth constitute non-inertial frame because it is accelerated. अभी हमने जिससे किया था लास्ट पे कि हमारे पास इस एमसीक्यूज के अंदर कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती, तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं था, मींस अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं था एक्सेलेरेटेड मोशन थी, वैसे भी एक्सेलेरेशन होता ठीक है तो तब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम था। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके माइंड में आने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि सर अर्थ भी तो हमारे पास उसी तरह सन के अराउंड रिवॉल्व करती है,
तो वो भी फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होगा। देखिए हमारे पास चैप्टर नंबर 19 के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि अगर हम स्ट्रॉन्गली अगर देखें, अगर हम हार्डली देखें इनको, अर्थ को, अर्थ इज नॉट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अर्थ इज एक्सेलरेटेड, इसका लेकिन एक्सेलरेशन इतना कम है कि हम इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इन केस ऑफ सैटेलाइट हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे, हम उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में पुट करेंगे। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, as we go higher from earth surface the height less than geostationary, let's say earth hai aur ye orbit hai geostationary satellite ka, it is for geostationary। ab keh rahe agar hum upar surface height less than geostationary orbit, matlab hum usse less ek orbit banate hain, yahan bana liye, is satellite, is orbit mein satellite hai, the orbital speed of satellite where v is spin motion of earth, dekhen जो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है ना उसकी वी ऑर्बिटल स्पिन के इक्वल होती है यहाँ पे। लेकिन अगर हम हाइट से लेस आते हैं, अगर हम नीचे आते हैं तो हमारे पास देखें जो रिलेशन बनता है वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ओवर आर, ऑर्बिटल वेलोसिटी का आर के साथ जो है वो इनवर्स रिलेशन बनता है। अगर हम ऑर्बिट का यहां से हम हमने डिक्रीज किया तो जाहिर बात है ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को इस ऑर्बिट के अंदर स्पिन से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ऑर्बिटल, इस ऑर्बिट में उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी फर्दर डिक्रीज हो जाएगी, तो इस ऑर्बिट में रहने के लिए ऑर्बिटल स्पीड उसकी ज्यादा होगी, स्पिन ऑफ अर्थ से डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कल एंटी क्लॉक वाइज, जब एक बॉडी एंटी क्लॉक वाइज मूव, जैसे मेरा थंब आ रहा है ये इस तरफ है एंटी क्लॉक वाइज, मुझे लग रहा है आपको मे भी थोड़ा, मैं इसको जब वीडियो बना के भेजूंगा तो आप अपने हाथ से कर सकते हैं इसको, तो ये अपवर्ड आएगा। वैसे भी ये हमारे पास जो है बुक में कहा गया कि अगर एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन तो हम उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो अपवर्ड लेंगे लाइक दिस, अगर बॉडी की रोटेशन है वो एंटी क्लॉक वाइज है, बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, सेल्फ एज करेक्ट। A point mass m through a circle arc of length l and radius r in time t, its angular velocity is, omega निकालना है, omega is equal to theta by t, आपको एक और भी पता है s is equal to r theta, theta is equal to s over r, और हम बोला arc length जो है वो l, radius जो है वो r, अब यहाँ put करें omega is equal to l r over t which is equal to l r t, एल आर टी इज ऑफ एल्फा इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, हाइट ऑफ जो स्टेशनरी सैटेलाइट अबव द इक्वेटर दैट इज 36,000 किलोमीटर, बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी कैन बी रिटन एज, ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था, ओमेगा क्रॉस आर व्हिच इज ऑफ डेल्टा। नेक्स्ट 39 एमसीक्यूज, द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ वॉच इज, एंगुलर वेलोसिटी आवर हैंड की और मिनट हैंड, आवर हैंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों के सेम होंगे 2 पाई रेडियन, टाइम कितना लेगा, आवर हैंड लेता 12 आवर्स मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 3600, मिनट हैंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम लेकिन टाइम भी लेगा 3600, 3600 से 3600 कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 1 ओवर 12 जो है वो आंसर आ जाएगा व्हिच इज ऑफ डेल्टा। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, व्हिच वन इज करेक्ट फॉर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंशन, एक्सेलरेशन इज वेट, एक्सेलरेशन को ए इज इक्वल टू जी, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी डिस्कशन, आई होप कि इसमें तमाम एमसीक्यूज आप लोगों को समझ आ गए होंगे, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग फिर वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।